गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक नाबालिग लड़की की हाई रेंज सोसाइटी में 12वीं मंजिल से नीचे गिरने से मौत होने का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की 17 वर्षीय थी और 12वीं कक्षा की छात्रा थी। नाबालिग लड़की अपने परिवार के साथ बीते करीब 6 साल से गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके की सिद्धार्थ विहार की इसी अपेक्स क्रेमलिन सोसाइटी के सी टावर में रहने वाली थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक लड़की के पिता समीर रावत अपने परिवार और अपनी नाबालिग बेटी के साथ पिछले 6 साल से इसी सोसाइटी में रह रहे थे, पर आज शाम अचानक उनकी बेटी सोसाइटी के ए टावर की 12वीं मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिर गई। मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की की चप्पल और कुछ सामान 12वीं मंजिल पर ही पड़े मिले थे, जबकि उसका हेडफोन जमीन पर पड़ा हुआ मिला। 12वीं मंजिल से नीचे गिरकर लड़की की मौत हो जाने की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नगर क्षेत्र स्थित अपेक्स क्रेमलिन सोसाइटी से शाम लगभग 5:30 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की सी ब्लॉक की 12वीं मंजिल से नीचे गिर गई है। इसी सूचना पर तत्कालिक रूप से स्थानीय पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया। फील्ड यूनिट द्वारा भी स्थलीय निरीक्षण कराया गया है। इस संबंध में जानकारी करने पर प्रकाश में आया कि ये लड़की की उम्र लगभग 17 वर्ष है और ये 12th क्लास की स्टूडेंट है इंद्रपुर पब्लिक स्कूल की, और इनके साथ में ये घटना पारित हुई है। फिलहाल बच्चे को अस्पताल में ले जाया गया था, जहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा सोसाइटी में लगे सभी CCTV कैमरास खंगाले जा रहे हैं, आसपास के लोगों से जानकारी की जा रही है। और इनके पिताजी का नाम समीर रावत है, जो पिछले 1 साल से उसी सोसाइटी के सी ब्लॉक में रहते हैं और ये ए ब्लॉक में ये घटना पारित हुई है। इस संबंध में सभी पहलुओं पर जाँच पड़ताल कर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।